बन जाएगा नहीं, वो सीक्रेट सर्विस का दुश्मन बन चुका है, किसी और का तो नहीं, लेकिन उसने जूलिया को इस तरह बेहोश करके ये जरूर साबित कर दिया है कि उसकी काया पलटी जा चुकी है, इमरान ने कहा। ओ फिर तो बड़ी खतरनाक सूरत हो गई है, अब क्या किया जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। करना क्या है, तनवीर का हमारे हाथ लगना बेहद जरूरी है, वरना वो वाकई सारी काया पलट कर रख देगा, इमरान ने कहा। लेकिन जीरो लाइट वालों ने ब्लैक जैक को क्यों भेजा होगा, ब्लैक जीरो ने परेशानी के आलम में कहा। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ जो जायचा बनाकर बता सकूं कि ब्लैक जैक इस बार यहाँ किस मकसद के लिए भेजा गया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर भी आपको कुछ तो अंदाजा होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। ब्लैक जैक को पिछली बार जीरो लाइन वालों ने हमारे मुकाबले पर टेस्ट के लिए भेजा था, सुप्रीम कमांडर ने मुझसे साफ कहा था कि वो अगली बार उसे हमारे मुकाबले पर उसकी तमाम खामियां दूर करके भेजेगा और वो हकीकत में बिग घोस्ट बनकर आएगा, इमरान ने कहा। तो क्या वो इस बार भी सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करेगा, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या कहा जा सकता है, इमरान ने कहा। उसी लंबे कमरे में हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने चौंक कर मशीन की तरफ देखा जिस पर डेटा कंप्लीट के हुरूफ स्पार्क कर रहे थे। इमरान उठा और उस मशीन के पास कुर्सी पर बैठ गया, उसने मशीन के सामने पड़ा हुआ कीपैड संभाला और उसकी उंगलियां पैड पर चलने लगी। हैरत है, डेटा तो बिल्कुल खाली है, क्या पिछले हफ्ते से तनवीर की कोई मसरूफियत फीड नहीं हुई है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसने जैसे ही डेटा ओपन करके कोड प्रेस किए स्क्रीन पर नो डेटा के अल्फाज उभर आए थे। ये कैसे हो सकता है, मशीन और उसकी डिवाइसेस हर वक्त ऑन रहती है, तनवीर के साथ साथ मशीन में तमाम मेंबरान की फिल्में होनी चाहिए, ब्लैक जीरो ने उठकर इमरान के करीब आते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान की उंगलियां कीपैड पर एक बार फिर चलने लगी, वो काफी देर तक सर कपाता रहा, फिर उसने एक तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश से सर लगा दिया। बाकी तमाम मेंबरान की रिपोर्ट्स मशीन में मौजूद है मगर तनवीर का डेटा फोल्डर बिल्कुल साफ है, इमरान ने थके थके से अंदाज में कहा। ओ मगर ये कैसे हो गया, ब्लैक जीरो ने हैरानी से कहा। गहरा चक्कर मालूम हो रहा है, तनवीर ये काम खुद नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, जुलिया के फ्लैट में कॉल करो और सफदर से कहो कि वो तनवीर के रिस्ट वॉच यहाँ पहुँचा दे, उसकी रिस्ट वॉच में मौजूद डिवाइस को चेक करना होगा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो सर हिलाकर आगे बढ़ा और उसने फोन का रिसीवर उठा लिया, उसने जुलिया के फ्लैट के नंबर मिला और सफदर को हिदायत देने लगा, वो खुद रिस्ट वॉच लेकर आ रहा है, ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया, इमरान चंद लम्हे सोचता रहा फिर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मैं नीचे लेबोरेटरी में जा रहा हूँ, सफदर रिस्ट वॉच लाए तो वो लाकर मुझे दे देना, उसे मैं वहीं चेक कर लूंगा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिला दिया, इमरान ऑपरेशन रूम से निकलकर देर जमीन मौजूद लेबोरेटरी में चला गया। अभी इमरान को गए चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक फोन की घंटी बज उठी, ब्लैक जीरो ने फोन उठाकर कान से लगा लिया। X2, ब्लैक जीरो ने X2 के मकसूद लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई थी। ओ सुलेमान कब आए हो तुम गाँव से, ब्लैक जीरो ने उससे पूछा। अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, साहब कहाँ है, सुलेमान ने पूछा। वो नीचे लेबोरेटरी में है, क्यों खैरियत, ब्लैक जीरो ने कहा। उनसे मिलने खातून आई है, दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। खातून, ब्लैक जीरो ने कहा। जी हाँ, उनका कहना है कि उनका इमरान साहब से मिलना बेहद जरूरी है, सुलेमान ने कहा। क्या नाम है उनका, ब्लैक जीरो ने कहा। मादाम शीतारा, दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। तो ब्लैक जीरो मादाम शीतारा का नाम सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। मादाम शीतारा, क्या उसने तुम्हें यही नाम बताया है, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। ओ तो जीरो लैंड की नागर यहाँ भी आ गई है, इसका मतलब है कि इमरान साहब का खदशा दुरुस्त साबित हुआ है, ब्लैक जीरो ने बड़बड़ाते हुए कहा। जीरो लैंड की नागर खदशा, मैं समझा नहीं, सुलेमान ने चौंक कर कहा। ये सब बाद में पूछ लेना, पहले ये बताओ कि वो कहाँ है, ब्लैक जीरो ने पूछा। मैंने उसे सिटिंग रूम में बिठाया है, सुलेमान ने कहा। ठीक है, उस पर नजर रखो, मैं इमरान साहब को बताता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। और उसने सुलेमान का जवाब सुने बगैर फोन ऑफ किया और कुर्सी से उठकर तेजी से ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। मादाम शीतारा का इमरान के फ्लैट में धड़ल्ले से आने का सुनकर ब्लैक जीरो का दिमाग घूमने लगा था, उसके बारे में जल्द अज जल्द इमरान को बताना चाहता था। उसे हैरत थी कि जो मादाम शीतारा ब्लैक जैक की वजह से संगी और थ्रेसिया के साथ इमरान के कैद से गायब हो गई थी, वो वापस आई है तो वो इमरान के फ्लैट में क्यों आई है। ब्लैक जीरो ने दूसरे कमरे में आकर तहखाने का खुफिया दरवाजा खोला और तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। जोसेफ राणा हाउस के गेट के पास बैठा गहरी सोचों में खोया हुआ था कि अचानक गेट के बाहर एक कार आकर रुकी और कार का मखसूस अंदाज में हॉर्न बजने लगा। कौन आया है इस वक्त, जोसेफ ने चौंक कर कहा। उसकी आदत थी कि वो 12 बजे तक जागता रहता था और गेट के पास इसी तरह बैठा रहता था। जब 12 बज जाते तो वो सोने के लिए कमरे में चला जाता था। अपनी ड्यूटी के मामले में वो बेहद फर्शनाश वाकई हुआ था।
वो सारा सारा दिन गेट के पास इसी तरह बैठा रहता था। जरूरी काम और खाने पीने के सिवा वो कहीं नहीं जाता था। अगर उसे राणा हाउस से बाहर जाना होता तो वो पहले ब्लैक जीरो को इतला देता था और राणा हाउस का खुद का हिफाजती निजाम ऑन कर देता था। पिछले दिनों ब्लैक जैक ने राणा हाउस में बेपनाह तबाही मचाई थी। ब्लैक जैक को हलाक करने के लिए जोसेफ ने भी उस पर जो साइंसी हरबे इस्तेमाल किए थे उस वजह से राणा हाउस का बहुत बड़ा हिस्सा टूट फूट गया था। इमरान के कहने पर जोसेफ ने राणा हाउस की मरम्मत करा ली थी और फिर इमरान ने आकर वहाँ साइंसी इंतजाम को दुरुस्त करके राणा हाउस के दिफा को और ज्यादा मजबूत बना दिया था। हॉर्न की आवाज सुनकर जोसेफ उठा और गेट के पास आ गया। उसने गेट की जैली खिड़की खोलकर बाहर देखा। बाहर तनवीर की कार मौजूद थी और ड्राइविंग सीट पर तनवीर ही मौजूद था। ये इस वक्त यहाँ क्यों आया है, जोसेफ ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। उसने खिड़की बंद की और गेट खोल दिया। गेट खुलते ही तनवीर कार अंदर ले आया और उसने कार पोर्च में रोक दी। जोसेफ ने गेट बंद किया और मुड़कर तनवीर की तरफ देखने लगा जो कार का इंजन बंद करके बाहर निकल रहा था। इमरान और सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान भी राणा हाउस आते जाते रहते थे। जोसेफ ने कभी उनसे बाहर निकलकर बात नहीं की थी। वो उन्हें गेट खोलकर अंदर बुलाता था और फिर बात करता था। तनवीर के साथ साथ तमाम मेम्बरान चूंकि जोसेफ की आदत से वाकिफ थे इसलिए वो भी गेट के बाहर जोसेफ से बात नहीं करते थे। कैसे हो जोसेफ, तनवीर ने जोसेफ की तरफ बढ़ते हुए कहा। ठीक हूँ, आप सुनाए, जोसेफ ने कहा। मैं भी ठीक हूँ, इमरान साहब तो यहाँ नहीं आए, तनवीर ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाते हुए कहा। नहीं, काफी दिन हो गए हैं, न बॉस खुद यहाँ आए हैं और न ही उनका कोई फोन आया है, जोसेफ ने कहा। लगता है उन्हें तुम्हारा कोई एहसास नहीं है, तुम दिन भर यहाँ पड़े चौकीदारी करते रहते हो। चौकीदारी करते करते तुम थकते नहीं, तनवीर ने कहा। बॉस को मेरा बहुत एहसास है, अगर उन्हें मेरा एहसास न होता तो वो मुझे कभी भी न पूछते। उन्हें जब भी मेरी जरूरत होती है वो पहले मेरे पास ही आते हैं। रही बात चौकीदारी की तो ये मेरी ड्यूटी है और जोसेफ दी ग्रेट अपनी ड्यूटी को अपनी खुशी से निभाता है, जोसेफ ने कहा। अच्छा छोड़ो, जवाना की कोई इत्तला आई है एक्रीमिया से, वो वापस कब आ रहा है, तनवीर ने मौजू बदलते हुए कहा। वो जानता था कि जोसेफ इमरान का वफादार है और अगर उससे इमरान के खिलाफ बातें करता तो जोसेफ यकीनन उससे बदजन हो जाता। आ जाएगा दो चार दिनों में, आपको कोई काम है उससे, जोसेफ ने कहा। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था, तनवीर ने कहा। आप रात को इस वक्त कैसे आए हैं, जोसेफ ने पूछा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, तनवीर ने कहा। कहाँ, जोसेफ ने कहा। मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, तनवीर ने कहा। तुम पहले बता दो, जोसेफ ने सपाट लहजे में कहा। तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तनवीर ने कहा। किससे मिलवाना चाहते हो, जोसेफ ने कहा। तुम्हारी जान पहचान वाला है, तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे, तनवीर ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसका कोई नाम तो होगा, जोसेफ ने कहा। नाम में क्या रखा है, कुछ चलकर देख लो उसे, तनवीर ने कहा। नहीं, मैं बॉस की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाता, तुमने मुझे जिससे मिलाना है उसे यहाँ ले आओ या फिर मुझे उसका नाम पता बता दो, मैं वक्त निकालकर खुद ही उससे मिल लूंगा, जोसेफ ने कहा। उसे न जाने क्यों तनवीर का अंदाज कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। वो गौर से तनवीर का चेहरा देख रहा था जिस पर सपाटपन के तासुरा नुमाया थे। उसके पास वक्त नहीं है, वो सुबह की फ्लाइट से एक्रीमिया जा रहा है और वो तुमसे किसी बहुत अहम सिलसिले में मिलना चाहता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, तनवीर ने कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम तो इस अंदाज में बात कर रहे हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से इनकार करूंगा तो तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाओगे, जोसेफ ने उसे घूरते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं, तनवीर ने सर झटक कर कहा। ठीक है, मुझे बॉस से बात कर लेने दो, अगर वो कहेगा तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, जोसेफ ने कहा। तो तनवीर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, मेरे साथ जाने के लिए क्या तुम्हें इमरान से इजाजत लेनी जरूरी है, तनवीर ने होड़ भीगते हुए कहा। तुम्हारे तेवर मुझे कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, बॉस को तुम इमरान साहब की बजाय सिर्फ इमरान कह रहे हो, जोसेफ ने उसे घूर कर कहा। मैं उसे इमरान ही कहता हूँ, साहब का दुम छल्ला लगाने की मुझे आदत नहीं है और तुम ये क्या कह रहे हो कि मेरे तेवर बदले हुए हैं, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। मिस्टर तनवीर, जोसेफ अफ्रीका के जंगलों में पला बड़ा है, जोसेफ इंसानी जहन तो नहीं पढ़ सकता मगर इंसान के ख्यालात की दिमागी लहरों से इस बात का अंदाजा जरूर लगा लेता है कि सामने खड़े इंसान के दिमाग में क्या खलल है, जोसेफ ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। क्या मतलब, क्या खलल है मेरे दिमाग में, तनवीर ने भौहें उचकाते हुए कहा। तुम्हारे चेहरे पर तो कुछ जाहिर नहीं हो रहा मगर तुम्हारे ख्यालात की लहरें तुम्हारे दिमाग से निकलकर मेरे दिमाग से टकरा रही हैं, जो मुझे ये तासुर दे रही है कि तुम यहाँ किसी नेक इरादे से नहीं आए हो, जोसेफ ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद जो ऐसी बातें कर रहे हो, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। जोसेफ का तजुर्बा कभी गलत नहीं होता, सच सच बता दो तुम यहाँ किस इरादे से आए हो, जोसेफ ने बदस्तूर उसकी आंखों में नजरें गाड़ते हुए कहा। जोसेफ, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूँ, तनवीर ने गुस्से में लहजे में कहा। मुझे तुम्हारे सर पर
कालाका जंगल की नीली दलदलों के सुर्ख बिच्छू रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि तुम्हारा दिमाग पलटा हुआ है और तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो, जोसफ ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तो तनवीर गुस्से से बल खाकर रह गया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? तनवीर ने कहा। नहीं, फादर जोशुआ की रूह मुझे तुम्हारे साथ जाने से रोक रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, जोसफ ने ठोस लहजे में कहा। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा फादर जोशुआ, देखता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे नहीं चलते, तनवीर ने गुर्राकर कहा। साथ ही उसने जेब से एक लंबी नाल वाला अजीब वजह का पिस्टल निकाल लिया। उस पिस्टल का दस्ता फुला हुआ था और उसकी नाल आम पिस्टल्स के बरक्स बारीक सी थी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं है, उसे पिस्टल निकालते देखकर जोसफ ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। इस पिस्टल में जहरील सुइयां हैं, अगर मैंने पिस्टल का बटन प्रेस कर दिया तो बेशुमार सुइयां निकलकर तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाएंगी और तुम दूसरा सांस नहीं ले सकोगे, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। जिस इंसान के खून में पहले से ही जहर की आमिजिश हो, उस पर दुनिया का कोई जहर असर नहीं कर सकता। अफ्रीका के जंगलों में रहते हुए जोसफ दी ग्रेट को बेशुमार जहरीले नागों ने काटा था, मगर जिस नाग ने भी जोसफ को काटा था वो खुद ही हलाक हो गया था। मैंने ऐसी बुढ़िया खा रखी है कि दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता, जोसफ ने मुतमईन लहजे में कहा। इन सुइयों पर रेड साइनाइड लगा हुआ है जो जहरीले से जहरीले कोबरा को भी मारने की ताकत रखता है। तुम्हारे जिस्म में हजारों नागों का भी जहर हो तब भी तुम इस जहर के असर से नहीं बच सकोगे, तनवीर ने कहा। तो रेड साइनाइड का सुनकर जोसफ बुरी तरह से चौंक पड़ा। रेड साइनाइड, तुम्हारा मतलब है अफ्रीका के जंगलों के सुर्ख मेंढकों का जहर, जोसफ ने कहा। जी मैं नहीं जानता, बहरहाल सुइयों पर रेड साइनाइड लगा हुआ है और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम इस जहर की ताकत को बखूबी जानते हो, तनवीर ने कहा। हाँ जानता हूँ, मगर ये जहरीली सुइयां तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, जोसफ ने हैरान होते हुए कहा। बातों में मेरा और अपना वक्त जाया मत करो, चलो मेरे साथ, तनवीर ने सर झटक कर कुसीले लहजे में कहा। जोसफ चंद लम्हे हैरत से तनवीर को देखता रहा, जैसे उसे तनवीर का ये अंदाज हैरतजदा कर रहा हो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो, जोसफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। जोसफ तुम खौमखा मेरा वक्त जाया कर रहे हो, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। साथ ही उसने अचानक पिस्टल का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही तनवीर ने बटन प्रेस किया, जोसफ जिसकी नजरें तनवीर की उंगली पर जमी हुई थी वो यकलक उछला और उसने दाएं तरफ कलाबाजी लगा दी। इससे पहले कि तनवीर उस पर दूसरी सुई फेंकता, जोसफ ने कमाल फुर्ती से अपने जिस्म को घुमाते हुए दाएं टांग उठाकर तनवीर के पिस्टल वाले हाथ पर मार दी। तनवीर के हाथ से पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा। तनवीर को भी झटका लगा और वो जरा सा तिरछा हो गया। इससे पहले कि वो सीधा होता, जोसफ ने लात को नीम दायरे में घुमाते हुए तनवीर के दाएं पहलू पर मार दी। तनवीर उछला और पलटकर धप से नीचे गिर गया। जोसफ ने अपने जिस्म को एक टांग पर लट्टू की तरह घुमाते हुए जोरदार किक तनवीर की गर्दन पर मारने चाहिए, मगर तनवीर फौरन दूसरी तरफ पलट गया और उसने माहिर जिम्नास्टिक की तरह अपने जिस्म को घुमाया और टांगों को ऊपर उछालकर तेजी से उठ खड़ा हुआ। तो तुम मेरे मुकाबले पर आ गए हो, तनवीर ने अपने कपड़े झाड़ते हुए उसे घूरते हुए कहा। तुम मुझे हलाक करना चाहते हो और मैं अपना दिफा भी ना करूं, जोसफ ने कहा। जरूर करो, मगर मुझसे उलझना तुम्हें बेहद महंगा पड़ेगा, तनवीर ने कहा। अपने दिमाग को कंट्रोल करो और यहाँ से चले जाओ, तुम सीक्रेट सर्विस के मेंबर हो, मैं बिला वजह तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता, जोसफ ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, मैं यहाँ से जाऊँगा मगर अकेला नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तनवीर ने कहा। अब तुम आसानी से तो नहीं, हाँ जबरदस्ती कोशिश करो तो शायद अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाओ, जोसफ ने कहा। साथ ही वो बिजली की सी तेजी से उछला और तनवीर बुरी तरह से चीखता हुआ किसी गेंद की तरह साइड की दीवार से जा टकराया। जोसफ ने उछलकर उस पर जोरदार फ्लाइंग किक मारी थी। जोसफ फ्लाइंग किक मारकर क्लबबाजी खाते हुए जैसे ही सीधा हुआ, तनवीर दीवार से टकराकर इस तरह वापस आया जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की बजाय स्प्रिंग लगे हो। दूसरे लम्हे जोसफ उसकी पैरों की जोरदार जरब खाकर बेकार उलटकर गिर पड़ा और तनवीर अभी कलाबाजी खाकर सीधा हुआ था कि नीचे गिरकर जोसफ यकलक उछला और फिर तनवीर को साथ लिए वो दोबारा फर्श पर जा गिरा और फिर उन दोनों ने उठकर जैसे वहशियाना अंदाज में एक दूसरे पर हमले करने की जद्दोजहद शुरू कर दी। अचानक जोसफ ने जम लगाया, वो फिजा में उछला और दूसरे लम्हे उसके घुटने पूरी कुव्वत से तनवीर के नाप पर पड़े और तनवीर के हलक से ऐसी आवाज निकली जैसे चीख के साथ उसके जिस्म से रूबी निकल गई हो। वो गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। जोसफ वहशियाना अंदाज में आगे बढ़ा और उछलकर एक बार फिर तनवीर पर गिरकर उसके सीने पर घुटने मारने ही लगा था कि तनवीर ने सीधे होकर दोनों पांव समेटे और जोसफ चीखता हुआ उसके सर के ऊपर से गुजरकर कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल जोरदार धमाके से जा गिरा। तनवीर सीधा होकर उस पर झपटा, उसने अचानक जोसफ की गर्दन पकड़ने की कोशिश की थी, मगर जोसफ भी आखिर जोसफ था जो सांड की तरह पला हुआ था और फिर वो अफ्रीका के जंगलों का शहजादा था। जैसे ही तनवीर उस पर झपटा, उसने अपनी कमर के बल घूमते हुए एक टांग तनवीर के दाएं कंधे पर मार दी।
तनवीर उछला और कलाबाजी खाने वाले अंदाज में दूसरी तरफ जा गिरा। जोसफ ने अपने जिस्म को उछाला और तकरीबन उड़ता हुआ तनवीर की तरफ आया, जैसे वो सर की टक्कर तनवीर के सीने पर मारना चाहता हो, मगर उसका सर पूरी कुवत से दीवार से टकरा गया। उसे छलांग लगाते देखकर तनवीर ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी थी, जिससे जोसफ सीधा दीवार से जा टकराया। उसके दिमाग में लगने वाली जर्ब इस कदर जोरदार थी कि एक लंबे के लिए उसकी आंखों के सामने सूरज रोशन हुआ और फिर उसके जहन में अंधेरा छाता चला गया। उसे साकित होते देखकर तनवीर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा। उसने जोसफ के पहलू में ठोकर रसीद की, मगर जोसफ ना हिला। ये देखकर तनवीर उस पर झुका और उसकी नब्ज चेक करने लगा, फिर वह एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जोसफ वाकई बेहोश हो चुका था। मैंने तुम्हें अपने चीफ के पास जिंदा सलामत ले जाना है जोसफ, अगर तुम मुझसे इसी तरह से लड़ते रहते तो तुम यकीनन मेरे हाथों जाए हो जाते, इसलिए मजबूरी थी, तनवीर ने उठते हुए कहा। तनवीर ने पलटकर पहले अपनी कार की डिग्गी खोली और फिर वापस आकर उसने देव जैसे भारी भरकम जोसफ को दोनों हाथों से उठाया और उसे डिग्गी में डाल दिया। डिग्गी की मुनासिबत से जोसफ का जिस्म बेहद बड़ा था, लेकिन तनवीर ने उसे उल्टे सीधे अंदाज में डिग्गी में ठोंस दिया और डिग्गी बंद कर दी। ये उसकी मखसूस कार थी, जिसकी डिग्गी में उसने ऑक्सीजन का एक छोटा मगर ताकतवर सिलेंडर रखा हुआ था, ताकि जरूरत पड़ने पर उस गैस सिलेंडर को इस्तेमाल कर सके। जोसफ को डिग्गी में डालकर उसने सिलेंडर ऑन कर दिया था, ताकि जोसफ डिग्गी में आसानी से सांस लेता रहे। अब जोसफ डिग्गी में कम अज कम 2 घंटों तक आसानी से सांस ले सकता था। जोसफ को डिग्गी में डालकर तनवीर ने गेट खोला और वापस कार की तरफ आकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार रिवर्स करके गेट से बाहर निकालकर रोकी और कार से निकल आया। उसने गेट को बंद किया और एक बार फिर कार में आ बैठा। फिर उसने कार मोड़ी और उसे घुमाकर सड़क पर लेता चला गया। अब उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। ऑफिसर्स कॉलोनी की चेक पोस्ट के सामने एक सियाह कार आकर रुकी तो आहनी रोड के पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड तेज तेज चलता हुआ कार के पास आ गया। कार की ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान मर्द, जबकि साइड सीट पर एक नौजवान लड़की बैठी थी। वो दोनों गैर मुल्की थे। उन दोनों ने सियाह चश्मे लगा रखे थे और बेहतरीन तराश के लिबास पहन रखे थे। फरमाए, सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा तो नौजवान ने ऊपर वाली जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने कार्ड लिया और उसे गौर से देखने लगा। ओ, तो आप डॉक्टर इरशाद से मिलने आए हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान को बगौर देखते हुए कहा। हाँ, हमने उनसे बाकायदा वक्त लिया है, नौजवान ने कहा। आप मिस्टर माइकल ही है और ये, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। ये डेली टाइम की चीफ रिपोर्टर मैडम सैली है, नौजवान ने कहा। ओके, आप रुके, मैं भी आता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा तो नौजवान ने अजबात में सर हिला दिया। फिर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ चेक पोस्ट की तरफ बढ़ता चला गया। तुमने डॉक्टर इशाद को मेरा नाम सैली ही बताया था ना, लड़की ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, बेफिक्र रहो, ये हमें डॉक्टर इशाद से मिलने से नहीं रोकेंगे, नौजवान ने कहा। हम डॉक्टर इशाद की रिहायशगाह पर तो जा रहे हैं, मगर मैंने सुना है कि वहाँ की सिक्योरिटी बेहद टाइट है, कहीं वहाँ ऐसे डिजिटल कैमरे न लगे हों जिनसे हमारे मेकअप उनकी नजरों में आ जाए, लड़की ने कहा। मैंने अपना और तुम्हारा जो मेकअप किया है, इस मेकअप को दुनिया का कोई कैमरा स्कैन करके हमारे असली चेहरे आया नहीं कर सकेगा। रही बात सिक्योरिटी की, तो मैं इसका पूरा इंतजाम करके आया हूँ, नौजवान ने कहा। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ, लड़की ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। उसी लम्हे बैरक से वही सिक्योरिटी गार्ड निकला जिसे नौजवान ने अपना कार्ड दिया था। उसके साथ एक और नौजवान भी था जिसके कांधों पर मौजूद स्टार उसे चीफ सिक्योरिटी गार्ड जाहिर कर रहे थे। मिस्टर माइकल, मैडम सैली, मैं माजरत खा हूँ, आप दोनों डॉक्टर इशाद की रिहायशगाह पर नहीं जा सकते, दूसरे नौजवान ने उनके करीब आते हुए कहा। तो वो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। क्या, यह क्या कह रहे हैं, हमने डॉक्टर इशाद से बाकायदा मुलाकात की इजाजत ले रखी है, मैडम सैली ने हैरत भर लहजे में कहा। मैं जानता हूँ मैडम, डॉक्टर इशाद ने हमें आपके बारे में इन्फॉर्म भी किया था, मगर, चीफ सिक्योरिटी गार्ड कहते कहते रुक गया। मगर क्या, आप जानते हैं हम एक्रीमिया के डेली टाइम्स के एग्जीक्यूटिव रिपोर्टर हैं। हम यहाँ डॉक्टर इशाद से खुसूसी मुलाकात के लिए आए हैं, जिसके लिए हमने फोन पर उनसे बाकायदा मुलाकात का वक्त लिया था, फिर आप हमें उनसे मिलने से कैसे रोक सकते हैं, नौजवान ने उनकी तरफ गुस्सैली नजरों से देखते हुए कहा। सॉरी सर, मैं आपको रोक नहीं रहा, मेरी डॉक्टर इशाद से बात हुई है, उन्होंने ही मुझे आपसे माजरत करने को कहा है, उनका कहना है कि वो इमरजेंसी तौर पर कहीं जा रहे हैं, इसलिए वो आपको मुलाकात का वक्त नहीं दे सकते, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा। ओ, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि हमें यहाँ बुलाकर खुद कहीं जा रहे हैं, नौजवान ने चौंक कर कहा। मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कांधे उचकाते हुए कहा तो नौजवान ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। क्या फोन पर मेरी उनसे बात करा सकते हैं, नौजवान ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा। जरूर, आइए मैं बात करा देता हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा। तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ, नौजवान ने लड़की से कहा तो उसने अजबात में सर हिला दिया। नौजवान कार से निकला और सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ उसके कैबिन में आ गया, जो दफ्तरी अंदाज में सजा हुआ था। बैठे,
सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए नौजवान से कहा तो नौजवान सर हिलाकर उसके सामने बैठ गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेज पर पड़ा हुआ फोन उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। सर, मैं चेक पोस्ट से सिक्योरिटी ऑफिसर ताहिर बोल रहा हूँ। मिस्टर माइकल मेरे पास मौजूद हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुअत्तबाना लहजे में कहा। उसने दूसरी तरफ से बात सुनी और फिर रिसीवर नौजवान की तरफ बढ़ा दिया। बात कर ले, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा तो नौजवान ने उससे रिसीवर लेकर कान से लगा लिया। माइकल रेमंड बोल रहा हूँ जनाब, एग्जीक्यूटिव रिपोर्टर ऑफ एग्रीमेंट न्यूज़पेपर डेली टाइम, नौजवान ने कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, मैं आपसे माजरत खा हूँ, मैं आज आपको मुलाकात का वक्त नहीं दे सकता। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी सी आवाज़ सुनाई थी जो डॉक्टर इरशाद की थी। डॉक्टर इरशाद का ताल्लुक पाकिस्तान के उन नामवर साइंसदानों में होता था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार एटमी हथियार और एटमी टेक्नोलॉजी से चलने वाली मशीनें ईजाद की थी। लेकिन जनाब, नौजवान ने कुछ कहना चाहा। सॉरी, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इमरजेंसी कॉल की है, मेरा उनसे फौरी मिलना बेहद जरूरी है। आप कल सुबह 10 बजे का वक्त रख लें, मैं आपसे कल मिलूंगा, दूसरी तरफ से डॉक्टर इरशाद ने कहा। लेकिन जनाब, मैं आपसे सिर्फ चंद लम्हों की मुलाकात चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, क्या आप मुझे 2 मिनट भी नहीं दे सकते, माइकल ने कहा। क्या आपका मुझसे मिलना बेहद जरूरी है, दूसरी तरफ से डॉक्टर इरशाद ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद पूछा। यस सर, मैं आपको काज बता चुका हूँ, माइकल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्या वो चीज आप अपने साथ लाए हैं, डॉक्टर इरशाद ने पूछा। यस सर, माइकल ने कहा। ठीक है, मैं आपके लिए 2 मिनट निकाल सकता हूँ, आप आ जाए, डॉक्टर इरशाद ने कहा तो माइकल के चेहरे पर छाया हुआ तनाव कम हो गया और उसकी आंखों में चमक सी आ गई। थैंक यू सर, थैंक यू, माइकल ने कहा तो डॉक्टर इरशाद के कहने पर उसने रिसीवर सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने डॉक्टर इरशाद की बात सुनकर सर हिलाया और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। आए, मैं आपको डॉक्टर इरशाद की रिहायशगाह तक पहुंचा दूं, सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। नौजवान भी सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और वो दोनों कैबिन से बाहर आ गए। अल्लाह दाद, रॉड हटाओ, मैं इन दोनों को डॉक्टर साहब की रिहायशगाह पर ले जा रहा हूँ, मेरे आने तक यहाँ का ख्याल रखना। सिक्योरिटी ऑफिसर ने रॉड के करीब खड़े एक गार्ड से मुखातिब होकर कहा। यस सर, गार्ड ने कहा और उसने आगे बढ़कर आने रॉड हटा दिया। माइकल ड्राइविंग सीट पर आ बैठा जबकि सिक्योरिटी ऑफिसर पिछली सीट पर बैठ गया। उसे कार में बैठे देखकर लड़की की आंखों में हैरत लहराई, मगर माइकल ने फौरन आई कोड में उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। चलें, माइकल ने पूछा। चलें, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा तो माइकल ने कार आगे बढ़ा दी। सामने एक तवील रास्ता था जिसके दोनों अतरा सफेदे के दरख्त थे, उन दरख्तों के दरमियान कई रास्ते गुजर रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर के कहने पर माइकल ने 2-3 चौराहों पर कार मोड़ी और फिर एक मुतवाजी सड़क पर आकर वो कार आगे बढ़ाता ले गया। दाएं बाएं बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले मौजूद थे जिनके गेटों पर बाकायदा मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे। सिक्योरिटी ऑफिसर को कार में देखकर उनकी बाकायदा इड़िया बज रही थी। सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें एक बड़ी सी रिहायशगाह के पाटक पर ले आया। गेट पर मुसल्ला गार्ड्स ने सिक्योरिटी ऑफिसर को सैल्यूट किया और साइड की दीवार पर लगा एक कॉल बेल नुमा बटन प्रेस कर दिया। अचानक रिहायशगाह का बड़ा सा पाटक ऑटोमेटिक अंदाज में खुलता चला गया। कार अंदर ले चले, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा तो माइकल ने कार आगे बढ़ा दी। रिहायशगाह के लॉन में उसने कार रोकी। दाएं बाएं वसी लॉन था जहां हर तरफ मुसल्ला अफराद मौजूद थे। सामने रिहायशी हिस्सा था, वहां भी चंद मुसल्ला अफराद घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा गेट की बाउंड्री वॉल के पास 4 बड़े बड़े पिंजरे नजर आ रहे थे जिनमें ब्लैक हाउंड नस्ल के बड़े बड़े कुत्ते गुर्राते हुए इधर उधर घूम रहे थे। उन पिंजरों के पास भी एक मुसल्ला शख्स मौजूद था। आप अभी कार से नहीं निकलेंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर ने माइकल को कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाते देखकर कहा। क्या मतलब, माइकल ने चौंक कर कहा। अचानक कार में नीले रंग की रोशनी भर गई